नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटोराइड्स में। मेरा नाम है अमित और ये है BMW की 3 सीरीज ग्रैंड लिमोजीन। यहाँ पर एक स्पेशल फीचर आता है जिसे हम रिवर्सिंग असिस्टेंट कहते हैं और ये BMW कार्स में विशेषतः आता है। ये काम कैसे करता है इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ और इसका काम क्या होता है पहले हम लोग ये समझ लेते हैं। अब मिसाल के तौर पर आप सामने वहाँ पर देखिए कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और मैं इस गाड़ी को वहाँ पर बीच में पार्क करना चाहता हूँ। अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पारंगत नहीं होते हैं ड्राइविंग में और गाड़ियों को टाइट स्लॉट्स में डाल करके वापस से उसे निकालना उनके लिए ज़रा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ऐसी सूरत में ये गाड़ी, अगर आप इसे 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से कम स्पीड पर चला रहे हैं, तो पिछले 50 मीटर तक का जो रास्ता आपने तय किया है उसका जो ट्रैक है उसे अपनी मेमोरी में डाल देती है। यानी कि गाड़ी ने किस तरह से अपना रास्ता तय किया वो इसकी मेमोरी में फीड हो जाता है। और जब आपने अपनी गाड़ी पार्क कर दी थी उसके बाद जब आप इसे बाहर निकालना चाहते हैं तो ये जो गाड़ी है ये उसी ट्रैक को वापस रिवर्स में फॉलो करते हुए आपको उस टाइट पार्किंग सिचुएशन से गाड़ी को बाहर निकालने में मदद करती है। ये देखिए, यहाँ पर ये रिवर्सिंग असिस्टेंट का जो आइकॉन आप देख रहे हैं इसे हम दबाएंगे जब हम गाड़ी को पार्क कर देंगे। और इन फीचर्स को यूज़ करने के लिए ये पार्किंग असिस्टेंट का यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिसे आपको एंगेज करना होता है। तो चलिए हम लोग पहले अब इस गाड़ी को जिस स्लॉट की मैं बात कर रहा था वहाँ ले जा करके पार्क कर देते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये गाड़ी अपने आप को बाहर निकाल पाती है क्या। एक बात आप ध्यान रखिए कि जब ये गाड़ी आप इस तरह से पार्क करें तब ये इंश्योर करें कि पार्क करते वक्त गाड़ी के दोनों तरफ 30 सेंटीमीटर का स्पेस रहे ताकि एक सफिशेंट बफर गाड़ी को मिल पाए और ये जो गाड़ी है ये इधर उधर कहीं स्क्रैच ना करे। अभी देखिए मैं इसे सामने इस MP स्लॉट के अंदर पार्क कर रहा हूँ और ये मैंने इसे पार्क कर दिया है। अब मैं इसे रिवर्स में डाल करके रिवर्सिंग असिस्टेंट को एंगेज करता हूँ। ये देखिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्टीयरिंग जो है ये ऑटोमेटिकली जिस रूट से मैं आया हूँ उसी रूट पर इस गाड़ी को वापस लेकर के जाएगा ताकि मैं इस टाइट स्लॉट से वापस बाहर निकल सकूँ। और आप देखेंगे कि जो ट्रैक मैंने आते वक्त फॉलो किया था उसी ट्रैक को ये जो स्टीयरिंग है फॉलो करता हुआ मुझे वहीं ले जाएगा जहाँ से मैंने ये जर्नी स्टार्ट की थी। हम लोग वहीं पहुँच जाएंगे जहाँ से मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था। ये देखिए, ये लगातार उसी रास्ते को फॉलो करता हुआ चलता जा रहा है। यहाँ पर हालांकि ये ट्रैक फॉलो कर रहा है लेकिन ब्रेक का कंट्रोल और एक्सेलरेटर का कंट्रोल मेरे पास है, केवल स्टीयरिंग जो है वो ये गाड़ी अपने आप देख रही है। तो अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। ये सेमी ऑटोनोमस किस्म की ड्राइविंग फीचर्स हैं लेकिन यहाँ पर सेफ्टी इंश्योर करना ड्राइवर का ही काम है। ये कोई भी कार मैन्युफैक्चरर जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इस तरह के फंक्शन जो हैं ये यूज़ करते वक्त अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये देखिए, ये एंड ऑफ रूट विल बी रीच्ड शॉर्टली का साइन आ गया है और यहाँ पर एंड ऑफ रूट पर हम पहुँच गए हैं। देखिए, यहाँ से मैंने आपको वो कार्स जो हैं वो दिखाई थी। तो इस तरीके से आप रिवर्सिंग असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पार्किंग असिस्टेंट होता है BMW का उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो किया है और मोटोराइड्स के यूट्यूब चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको वो फीचर भी मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा और अगर आपके पास कोई BMW कार है जिसमें ये फीचर है तो इसे देख करके आपको इसे इस्तेमाल करने में भी ज़रा सुविधा हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अगर इंटरेस्टिंग लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। तब तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।